मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटों पर लगातार वोटिंग हुई। कांग्रेस के नजरिए से वोटिंग कैसी रही, इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश नायक से खास बातचीत की है। लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है, लगातार जारी है, और किस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं कांग्रेस के दृष्टिकोण से, इसके लिए खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन और कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मुकेश नायक जी। मुकेश नायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉचिंग पर। देखिए, 3 बजे तक लगभग 40% मतदान हुआ, ये 5 बजे तक लगभग 50 से 55% मतदान होने की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले चुनाव की तुलना में 10% मतदान कम होगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह की उदासीनता इस चुनाव में देखी गई है, उससे जो चुनाव परिणाम है बहुत अप्रत्याशित रूप से भी आ सकता है, ऐसी संभावना बढ़ गई है। तो कांग्रेस के लिए क्या खबर निकल के सामने आ रही है आपके हिसाब से, आपके जो सूत्र हैं तो उसके हिसाब से क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं? जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान शहरों की तुलना में अधिक हुआ है और दलित समाज और दूसरे समाज ने वोट मतदान ज़्यादा किया है। इसका अर्थ ये है कि ये मतदान अप्रत्याशित रूप से चुनाव परिणाम को बदलेंगे, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेंगे। खजुराहो सीट की बात करें, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा फिर से मुकाबले में हैं और वहां से इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी थे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, यानी कि आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली थी, अभी तो उनके पक्ष में माहौल है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम मतदान खजुराहो सीट पर हुआ है और जिस तरह से पिछड़ा वर्ग वहां पर संगठित हुआ है, उससे कठिन चुनौती बीडी शर्मा के सामने उपस्थित हो गई है। जैसा उन्होंने एक तरफा चुनाव सोचा था, अब वैसा नहीं है। मुकेश जी, वैसे राजनीति का काफी अनुभव है आपको, आपने कई चुनाव देखे हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। आज जो लोकसभा चुनाव का जो प्रचार शुरू हुआ था वो विकास के मुद्दों पर शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे वो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, अब जाकर पर्सनल व्यक्तिगत पे आ गई है, टीका टिप्पणी पे आ गई है, भाषा की मर्यादाएं भूलने लगे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इसे? जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी के आए हैं, वो बयान हंसी के पात्र बन गए पूरे भारतवर्ष में। एक जिस लीडर को ये ग्लोबल लीडर बोल रहे थे, उसकी चेतना एक ग्रामीण नेता से भी कम निकली, और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं वो पूरे देश में हंसी के पात्र और हास्यास्पद बन गए हैं। अगर मोदी जी को विश्वास था कि उन्होंने काम किया है, तो 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और दूसरे चरण में तो उन्होंने हद कर दी, जिस तरह के विभाजनकारी बयान दिए, जिस तरह के से चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है और प्रधानमंत्री के स्तर को कम करने वाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो राजनीतिक दलों द्वारा अपील लगाई गई थी, वहां पर अर्जी डाली गई थी, तो उसको खारिज कर दिया है ईवीएम को लेकर, इस मामले में आप क्या कहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है तो वो तो सबको मानना ही है, उस बारे में कोई क्या कह सकता है। तो अभी आज 2 चरणों में मध्य प्रदेश में 12 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पहले चरण में 6 सीटों पर हो चुके हैं, आज 6 सीटों पर, कुल मिला के 12, बची 17 सीटें मध्य प्रदेश में। तो 2 चरण आज हो जाएंगे संपन्न, कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे क्यों नहीं हो रहे हैं? दौरे हो रहे हैं, अभी 2 अप्रैल को 4 अप्रैल को श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी का दौरा है चंबल संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में, और आगे भी पूरे राष्ट्रीय नेताओं के टूर प्रोग्राम आ रहे हैं, जल्दी आपको अवगत करा देंगे। तो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत की मिलीजुली संस्कृति को बचाने के लिए, उपलब्धियों के आधार पर राजनीति करने के लिए यह आवश्यक है कि बीजेपी को नियंत्रित किया जाए और कांग्रेस पार्टी को लाया जाए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी, जो
खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अब आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में जो चरणों में जो चुनाव संपन्न होंगे उसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे भी होंगे और साथ में मतदाताओं से अपील भी करिए देश की मिली जुली संस्कृति को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। भोपाल से कैमरा पर्सन उमेश यादव के साथ अभिनव चतुर्वेदी, न्यूज वॉच इंडिया के लिए।